मातरम। गौ माता की जय। सभी क्रांतिकारियों के चरणों में प्रणाम, भाई राजीव दीक्षित जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ उपस्थित मैं तो ये कहूँगा, आप जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनकी आप पुनर्जन्म आत्माओं हो, तभी आप यहाँ पर बैठे हो। मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथियों, मुझे कुछ कहने से पहले मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, वो इस बात की कि मुझे कुछ कड़वा कहने की आदत है ना, कुछ लोगों को बुरी लग जाएगी। और ये जीवन भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों ने मुझे प्रदान किया है और गौ माता से मेरा जीवन बचा है, वरना मेरी किडनी टोटल फेलियर थी। मतलब मैं गौ माता का वो ऋणी हूँ, शायद इस जन्म में ऋण ना उतार पाऊँ, अगला जन्म लेना पड़े। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बहुत संगठन बनाते हैं, बहुत धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात। भाई राजीव दीक्षित और बड़े बड़े हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि 1666 से ये खराब व्यवस्था चल रही है, जिसको इल्तुमिनाती का नया रूप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में सब जान रहे हैं। ये वैक्सीनेशन और ये सब चल रहा है। अब आप देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ, मैं सारी बात भ्रष्टाचार से शुरू कर रहा हूँ कि मेन जड़ हर काम की भ्रष्टाचार है और दूसरा है अहंकार। तो जब देश आज़ाद होने वाला था, नकली आज़ादी मिलने वाली थी, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग सड़कों पे लड़ रहे थे और कुछ हरामी टेबल पे बैठ के सौदा कर रहे थे। वही आज भी आप देख लो, 1800 के कानून आज भी आपके ऊपर लागू होते हैं। तो जो अंग्रेजों ने बना दिया उसके खिलाफ हम कितना धरना प्रदर्शन कर ले, उन्होंने तो मन बना रखा है कि ये मूर्ख हैं, भेड़ हैं, इनको जैसे चाहे हांक लो, जैसे चाहे डंडे से दबा दो, है ना। अब हम लग रहे हैं अपना धरने प्रदर्शनों में और बहुत सारे कामों में हम भी कर रहे हैं, आपके साथ है, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। कारण के नौकर तो मालिक हो गए और मालिक नौकर हो गए, तो जब मालिक नौकर हो जाता है ना, तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। और सबकी अपनी ढपली, अपना राग, इसने हमारी व्यवस्था ज्यादा खराब करी है। जितने नेता दोषी हैं उससे ज्यादा सामाजिक संगठन, जो समाज में सुधार के लिए बने थे, वो दोषी हैं कि उन्होंने उस भ्रष्टाचार में उन्होंने भी मलाई चाटी है। तो होना क्या है, रास्ता एक ही बचता है, व्यवस्था परिवर्तन। और अगर जो व्यवस्था परिवर्तन करनी है, गाय माता, मैं तो प्रत्यक्ष, मतलब उसका जो है मैंने चमत्कार देखा है, मेरा जीवन बचा है। मैं ये कहता हूं, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो देसी गाय का दूध पी रहे होंगे, फिर भी 1% या 2% लोग होंगे। मेरा कहना है कि एक देसी गैया मैया जो है 12 किलो से 15 किलो दूध देती है, 5 घर मिल के अगर जो एक गाय पाल लें और उसके साथ एक किलो दूध छोड़ दें एक बेसहारा गैया मैया के लिए, तो आपको एक भी गाय ना तो उसमें भेजने की जरूरत है गौशाला में, और ना ही आपको उसे बेचने की जरूरत है। आप इस बात को प्रैक्टिकल करके देखना। मैंने 2 गैया, देसी गैया मैया रखी और उनसे 25 गैया मैया का मैंने पालन किया। और आपको मैं देखो, मैं बहुत ना ज्यादा मंच का शौकीन हूँ ना नेतागिरी का शौकीन हूँ, मैं जो मेरा अपना ढंग है काम करने का, मेरा रास्ता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला है। अगर जो आप लोग, मैं 20, 21, 22 सहारनपुर में सबको एक मंच पे, गौ भक्त हो, राजीववादी हो, आयुर्वेदाचार्य हो, जो भी हो, सबको एक मंच पे लाना चाहता हूँ। हमारे हेड कॉन्स्टेबल सब है, जितेंद्र
और ये, हाँ ये यहाँ के इंचार्ज हैं, ये हम ज्ञापन की 3 सेट इनको दे रहे हैं आज। आप कोई बात नहीं, आज संडे है, ऑफिस बंद है, तो आप कब देंगे हमको? आप कल शाम को किसी को भेज देंगे ना? कमल जी को भेज। हाँ कमल जी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये आप लीजिए, 3 सेट आप देख लीजिए। इंकलाब, किसी का फोटो लेना है फोटो ले लीजिए। राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है और एक बीट के सिपाही को ज्ञापन लेने भेजा है, ये हमारी वैल्यू लगाती है सरकार। मेरी बात का जो लोग बैठे हैं बुरा मत मानना, ये आपकी वैल्यू लगाई है एक बीट के सिपाही को भेज के। अगर जो मेरे इलाके में होता ना, जो होता जेल जाते, कुछ होता, समझ रहे। तो कहने का मतलब यह है, एक जज का पेशकार उसकी नाक के नीचे बैठ के पैसे लेता है और उसी रसोई का खर्चा चलाता है। कहां इनके आगे पीछे और इन्हें ज्ञापन, इनको तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अरे 7 लाख पहले मर गए, अब 70 लाख मर जाएंगे और क्या होगा? यही तो होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो करना है उसको सॉलिड तरीके से संगठन बना के पूरे भारत के राजीवादी आयुर्वेदाचार्य गो भक्त एक मंच पे आ जाओ, तभी बात बनेगी। और नहीं तो मेरे जैसा पागल ना एक धमाका करके या तो गोली खा के मर जाएगा या जेल चला जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।